दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की एक और अनरिलीज्ड मूवी के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है दोस्ती का तकाजा। और इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद थे मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा। इसके अलावा इस फिल्म को म्यूजिक दिया था बप्पी लहरी ने, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे विजय आनंद, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे सुरेश ग्रोवर। आप बात करें इस फिल्म से जुड़े कुछ अहम पहलुओं की, तो दोस्ती का तकाजा फिल्म एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म होने वाली थी, जिसमें हमें मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा का रेयर मास कॉम्बिनेशन एक साथ दिखाई देने वाला था। और इस बात में कोई शक नहीं कि ये दोनों ही एक्टर्स मासेस में बेहद फेमस हैं। और सिर्फ यही नहीं, मिथुन चक्रवर्ती टेक्निकल एक्टिंग वाइज भी काफ़ी काबिल एक्टर हैं, जिनका नेचुरल एक्टिंग स्टाइल ही बेहद वर्सटाइल है, और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हर किस्म के किरदार को बेहद इन्हांस कर देती है। और इसके अलावा गोविंदा भी काफ़ी दिलचस्प एक्टर हैं, जिन्हें मिथुन चक्रवर्ती के साथ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता था। और इस फिल्म की एक और ख़ास बात ये भी थी कि ये फिल्म एक्सपीरियंस डायरेक्टर विजय आनंद के हाथों में थी, जो एक रिलायबल और टैलेंटेड डायरेक्टर थे, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में दी हैं। और इन सब पॉजिटिव पॉइंट्स के होते हुए ये फिल्म एक पोटेंशियल हिट साबित हो सकती थी। और देखा जाए तो ये बात है साल 1990 की, जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था, और अनाउंसमेंट के बाद इस फिल्म के बहुत से पोस्टर्स भी रिलीज़ किए गए थे, और उसी साल ही इस फिल्म की शूटिंग का भी आगाज़ कर दिया गया था। लेकिन फिर कुछ ही दिनों की शूटिंग के बाद ये फिल्म किसी अननोन रीज़न की वजह से बीच में ही बंद कर दी गई थी, और पूरी कंप्लीट ही नहीं हो पाई थी। और ऐसे मास ऑडियंस इस हाईली पोटेंशियल एक्शन फिल्म से महरूम रह गई। तो दोस्तों, दोस्ती का तकाजा मूवी के बारे में आप सबका क्या ओपिनियन है? कि मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा की ये मूवी अगर उस टाइम पे पूरी कंप्लीट होके रिलीज हो जाती, तो बॉक्स ऑफिस पे हिट होती, सुपर हिट होती, या फिर ब्लॉकबस्टर? हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।